बसमान सईदी मोहम्मद मोहम्मद प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप जिस टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हुआ हूँ यह है अदालती इश्तारी यह अदालती इश्तिहारी क्या होता है और ये जो अदालत का इश्तहार है ये कैसे ख़त्म करवाया जाता है जेर दफ़ा पाँच सौ बारह सी आर पी सी अदालती इश्तिहारी की कार्रवाई की जाती है नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई जुर्म सरजद हो जा होता है कॉगनीजल ऑफेंस काबिल दस अंदाजी पुलिस सरजद होता है तो उसकी एक एफ आई आर काटी जाती है दर्ज की जाती है रजिस्टर्ड की जाती है और फिर उसमें नॉर्मली तौर पर जिसके अगेंस्ट एफ आई आर होती है उसको पुलिस पकड़ती है उसकी या तो इंटैरम हो जाती है कबल अज गिरफ्तारी या बाद अस गिरफ्तारी बेल हो जाती है इसके बाद ट्रायल चलना होता है ट्रायल के मतलब अक्सर जो अवाम है उनको मालूम नहीं होती हैं कि ये कब चलना है कैसे चलना है आम जो ट्रायल के लिए जो टाइम मुकर है वो चौदह दिन का टाइम है कि किसी भी एफ़ आई आर के कटने के चौदह रोज़ के बाद ट्रायल जो है वो मुतलका कोर्ट में लग जाना चाहिए जिसे हम एक सौ तिहत्तर की रिपोर्ट कहते हैं कुछ लोग इसको वन सेवेंटी थ्री के चलान भी बोलते हैं चलान कानून में कोई लफ्ज़ ना है कानूनी लैंग्वेज में कोई चलान का लफ्ज़ नहीं है ना जाने ये लफ्ज़ कहाँ से आ गया ये रिपोर्ट होती है वन सेवेंटी थ्री की तो वन सेवेंटी थ्री की रिपोर्ट जो है वह चौदह रोज के बाद एफ़ आई आर कटने के चौदह रोज़ के बाद मुतलका जो कोर्ट है वहाँ पर लगनी चाहिए लेकिन हमारे माशरे में देखने में यही आता है कि चौदह रोज़ तो दूर की बात दो माह भी नहीं चार माह छः माह साल डेढ़ साल और दो साल बाद भी एक सौ तिहत्तर की रिपोर्ट कोर्ट में लगाई जाती है अब एक की जब रिपोर्ट लगती है तो यहाँ पर मुलिम को पेश होना होता है उसको नोटिस होते हैं किसी तरीके कार से मुलिम का एड्रेस बदल गया या किसी भी वजह से मुलिम के इलम में नहीं आया फिर अदालती कार्रवाई चूँकि चलनी होती है फिर अदालत उस मुलिम को इश्तहारी करार दे देती है क्योंकि वो कोर्ट में अपेयर नहीं हुआ तो अदालत जब किसी मुलिम को पाँच सौ बारह की कार्रवाई करते हुए इश्तहारी करार दे, दे तो उसको कैसे ख़त्म करवाया जाता है उसको ख़त्म करवाने के लिए एक एप्लीकेशन लिखी जाती है जो कि वकालतनामे के साथ दी जाती है इसमें ये सारा पहले पूरी डिटेल बयान की जाती है कि ये मेरे अगेंस्ट एक एफ आई आर जिसका नंबर ये है थाना ये था उस पर तमाम डिटेल दी जाती है मेरा जुर्म ये था इस तारीख को एक एफ आई आर लॉन्च की गई थी जिसकी जिसका ट्रायल जो है वो कोर्ट हाजा में पेंडिंग है और चूँकि मेरे इलम में ना था इसलिए मैं कोर्ट में अपेयर ना हो सका अदालत ने पाँच सौ बारह की कार्रवाई करते हुए मुझे इश्तहारी करार दे दिया है अब मैं चूँकि मेरे इलम में आया है मैं इस कोर्ट में हाजिर खिदमत हुआ हूँ और मुझे दोबारा से अब इसमें मचलके होंगे मुझे फ़्रेश मचल के ताज़ा जो नए मचलके हैं फ्रेश मचल के जो हैं वो फ़ाइल करने की इजाज़त दी जाए तो इस तरह से जो इश्तहार है या जो इश्तहारी मुलिम है वो फिर इश्तहारी मुलजिम नहीं रहता है तो वकील साहब जो है ये पूरा सेट बनाकर कोर्ट में लगाते हैं और मुलिम का इश्तहार जो है वो ख़त्म हो जाता है इस एप्लीकेशन को लगाने के बाद इस एप्लीकेशन पर कोर्ट फीस भी लगता है इसके साथ बयानी हल्फी भी होता है वकालतनामा होता है और फिर बकिया प्रोसीडिंग केस की चलना शुरू हो जाती है सो ये थी जी पाँच सौ बारह की इश्ति की कार्रवाई और इश्तहार जारी होने की और किस तरह से इश्तहार ख़त्म करवाया जाता है वो मैंने बताने की कोशिश की सो दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर किसी टॉपिक के साथ हाजिरी खिदमत रहूंगा अल्लाह